नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करती हूँ आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है न्यू जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। आज हम यहाँ पर बात करने वाली हूँ ओवी इंडिया आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एट बैरकपुर वेस्ट बंगाल फॉर सिलेक्शन ऑफ सोल्जर। सो गाइस, अगर आप इनमें इंटरेस्ट हैं तो वीडियो के एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर आज हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप दिखाऊँगे, और इनके अलावा कहाँ से फॉर्म भरना होगा, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इजीली यहाँ से देख लीजिए, और ये वीडियो जो है पूरा के पूरा फॉलो कीजिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। और इनसे पहले ये जान लीजिए, इनका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और इनका क्लोजिंग डेट जो है 27/10/2018 के अंदर आप अगर आप भरना चाहते हैं तो फ्रॉम तो आप भर सकते हैं। सो और ये फुल्ली ऑनलाइन मोड पे है, ठीक है। और तो थोड़ा बहुत देख लीजिए इन डिटेल्स क्या क्या क्राइटेरिया मांग रहे हैं। सोल्जर जनरल ड्यूटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांग रहे हैं, जो 10 पास अगर आप हैं तो तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका मिनिमम 45% मार्क्स होना ज़रूरी है एवरेज के हिसाब से, और पर सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को 33% होना ज़रूरी है, ठीक है। और एज छोड़ के यहाँ पर एज लिमिटेशन जो मांग रहे हैं यहाँ पर देखिए 10/1/1997 से लेके 1/4/2001 के अंदर अगर आप बॉर्न के मीन्स पैदे हुए तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, और एक बात कहना चाहूँगी, ये तो एक फॉर्म भरने के लिए बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होता है वही हम यहाँ पर बोल रही हूँ, दिखा रही हूँ। ये छोड़ के आपके मन में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्वेरी है तो डायरेक्टली आप इनका ऑफिशियल होम पेज पे जाके इनका जो ओरिजिनल नोटिस है वहाँ से भी देख सकते हैं एक्स्ट्रा कुछ क्वेरी है तो, और कुछ मिस्टेक हो जाए तो अपना समझ के माफ़ कर दीजिएगा। ओके, तो देख लीजिए, शायद थोड़ा बहुत आप लोगों को हेल्प हो जाए। यहाँ पर देखिए शोल्डर टेक्निशियल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांग रहे हैं 12 पास अगर आप हैं तो तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं तो, और आपका स्पेसिकली सब्जेक्ट जो होना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ नहीं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम आप लोगों को 50% मार्क्स एवरेज के हिसाब से आना चाहिए, और इनके अलावा पर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स है तो तब आप यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी देख लीजिए एज लिमिटेशन बिटवीन 1/10/1995 से लेकर अप टू 1/4/2001 के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट, सोल्जर टेक्निशियन एवरेज यहाँ पर टोटल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांग रहे हैं यहाँ पर पर्टिकुलरली नोटिस पे मुझे तो दिखाई नहीं दिया कुछ पर्टिकुलर वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी, लेकिन ए छोड़ के जो अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिटेशन यहाँ पर दिखाई दिया मुझे, सो वही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और वो है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर देख लीजिए 10 मीन्स 12 पास है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट साइंस के ऊपर है तो तब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश होना ज़रूरी है। ओके, और वहाँ पर भी आप लोगों को 50% मार्क्स होना ज़रूरी है एवरेज के हिसाब से, और 40% मार्क्स सब्जेक्ट पर। ओके, और आप लोगों को अगर कुछ 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किया है तो इक्विवेलेंट टू कुछ कंप्लीट किया है तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स कोई एक है तो तब भी आप यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी एज लिमिटेशन जो है बॉर्न इन बिटवीन 1/10/1995 से लेकर अप टू 1/4/2001 के अंदर आपका एज है तो तब आप यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इनके अलावा और एक बात कहना चाहूँगी, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट का जो एप्लीकेशन करने का तरीका किस तरह से कहाँ से करना होगा, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट एंड तक हम पूरा के पूरा कहाँ से भरना होगा, कोई एक पे अगर आप भरना चाहते हैं तो डायरेक्टली कहाँ से जाएंगे, और अगर ये छोड़ के डायरेक्टली आप जाना चाहते हैं तो इनका जो ऑफिशियल होम पेज है वहाँ से भी जा सकते हैं, और वहाँ वहाँ भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर इनका डायरेक्ट लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आप कौन सा डिपार्टमेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली वो चूज़ करिए और अपना फॉर्म इजीली भर लीजिएगा। ओके, और वो छोड़ के और भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टोटल नंबर मीन्स सोल्जर नेशनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर
एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांग रहे हैं 12th पास है तो तब भी आप यहाँ पर अगर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना ज़रूरी है और यहाँ पर भी मिनिमम 50% मार्क्स है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इनके अलावा देखिए आप को मीन्स पर सब्जेक्ट के ऊपर 40% मार्क्स होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप कुछ डिग्री इक्विवेलेंट कुछ डिग्री डिप्लोमा किए हैं तो तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये जो मांग रहे हैं बायो साइंस के ऊपर बेस करके मांग रहे हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए एज लिमिटेशन जो मांग रहे हैं, आपका एज होना ज़रूरी है बिटवीन 1/10/1995 से लेकर 1/4/2001 के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट सोल्डर क्लर्क, यहाँ पर टोटल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांग रहे हैं 12 पास, कोई इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस पास है तो तब आर्ट्स कॉमर्स कोई एक है तो साइंस कोई एक स्कीम से ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम आपका जो मार्क्स है 50% मार्क्स होना ज़रूरी है और आपका सब्जेक्ट जो है इंग्लिश अगर आपके मेन सब्जेक्ट है, मीन्स आपका होना ही है सभी के इंग्लिश एंड आपके यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत मैथ अदरवाइज अकाउंटेंट कोई स्कीम से अप्लाई कर रहे हैं तो कोई एक होना आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई एक तो है हो गए, लेकिन आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रहना ज़रूरी है तब आप यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, इनके अलावा आप लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इन पोस्ट के लिए आपका एज जो है आपका मिनिमम आपका एज होना चाहिए 1/10/1995 से लेकर अप टू 1/4/2001 के अंदर आपका एज है तो तब अब यहाँ इन पोस्ट के लिए अप्रूवल होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए शोल्डर ट्रांसप्लांट, यहाँ पर टोटल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांग रहे हैं 10th अदरवाइज इक्विवेलेंट कुछ कोर्स कंप्लीट किया था तब भी आप यहाँ पर मीन्स ITI कोच किए हैं तो तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इनके लिए भी आप लोगों का एज जो मांग रहे हैं बिटवीन 1/10/1995 से लेके 1/4/2001 के अंदर आप बॉर्न हुए हैं तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और देख लीजिए इनका जो एप्लीकेशन जो एलिजिबिलिटी है तो यहाँ के इंडिया आर्मी की तरफ से ही होगा और लेकिन ये RCTC ग्राउंड यहाँ पर आपको विजिट होना होगा, आपका एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू जो भी होगा यहाँ पर आना होगा और बैरकपुर पे। सो नेक्स्ट क्या मांग रहे हैं देख लीजिए, यहाँ पर फिजिकल स्टेबिलिटी जो मैन वोमैन के अलग अलग कैंडिडेट पे सिलेक्ट होंगे और अलग अलग क्राइटेरिया भी दे दिया गया है। और जो लोग SC ST कैटेगरी पे हैं उन लोगों के लिए अलग चार्ट दिया रिलैक्सेशन है वो भी देख लीजिए थोड़ा बहुत, जैसे कि मेल कैंडिडेट के लिए हाइट मांग रहे हैं 169 सेंटीमीटर चेस्ट होना है, 77 सेंटीमीटर चेस्ट, 82 सेंटीमीटर वेट, 50 kgs। ओके, और SC कैंडिडेट के लिए हाइट जो मांग रहे हैं 162 सेंटीमीटर चेस्ट, 77 सेंटीमीटर चेस्ट एंड जो सारे के वेट जो मांग रहे हैं 48। ठीक है, कट ऑफ होगा यहाँ से ही सिलेक्ट होंगे, फर्स्ट तो आप लोगों को देना होगा उसके बाद ही सिलेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट कैंडिडेट सिलेक्शन करने का तरीका, और एक बात जो रिपीट अगेन कर रही हूँ फिर से, ए छोड़ के आपके मन में कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा बहुत देखिए डेट टाइम विजुअल टाइम जो भी है आप जानना पाए चाहते हैं तो जान सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडिया आर्मी जो कि www.juniorindiaarmy.nic.in पर आके आप यहाँ पे विजिट होके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इनका PDF इन डिटेल्स यहाँ पर दे दिया गया है सो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है देख लीजिए कहाँ से किस तरह से अप्लाई करना है, मेरे ख्याल से इसके बाद थोड़ा बहुत टफ है, मीन्स बहुत इजी है आपके लिए देखना ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद ही कहाँ से किस तरह से फॉर्म आप भरना चाहते हैं तो सच में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। तो देख लीजिए कृपया करके, और इनसे पहले जान लीजिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और इनका क्लोजिंग डेट जो है 27/10/2018 के अंदर आप
आपको भर लेना होगा, वो भी ऑनलाइन मोड पे, ठीक है। और ये सब का डायरेक्ट लिंक पीडीएफ लिंक करके दे दिया जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से आप लोग डायरेक्टली ऑफिशियल पेज, इनका फॉर्म फिलअप करने का पेज पे जा सकते हैं और अपना फॉर्म इजिली भर सकते हैं और इनका डायरेक्ट नोटिस भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए मुझे तो पहले तो जाना होगा इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर, पहले तो देख लीजिए थोड़ा बहुत। देखिए ये जो पेज है डायरेक्ट लिंक करके, ये लिंक दे दिया जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ जिसका बात मैं रिपीट अगर करके करके जा रही हूँ। और सिंपली आके सिंपली आपका यूज़र नेम पासवर्ड कैप्चर जो इमेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर देना होगा। सिंपली आपको विजिट होना है अगर आप पहले से लॉगिन किए हैं तो। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर रजिस्टर देख लीजिए, कुछ ऑप्शन दे दिया गया है कहाँ से किस तरह से क्या क्या मांग रहे हैं, ये स्टेप फॉलो करना होगा, करने के बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये जो सारे के सारे 10-12 जो टोटल पॉइंट है ये फुलफिल कीजिए तो भी आप फॉर्म फिलअप हो पढ़ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत देखिए नीचे आइए नोटिस पर, यहाँ पर फॉरगेट यूज़र नेम, अगर आप पहले से लॉगिन करना चाहते हैं तो सिंपली आके लॉगिन कर लीजिए। ओके, अदरवाइज देखिए थोड़ा बहुत ऊपर आइए, देखिए अदरवाइज ए पेज ऑफिशियल पेज करके दे दिया जाएगा, जहाँ से आप लोगों को सिंपली यहाँ पर विजिट होना है। उसके बाद ये जो कोड दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले पे भी दिखाई देगा, वही कोड सेम टू सेम यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। डालने के बाद देखिए थोड़ा सॉरी एरर दिखाई दे रहा है, घबराइए मत, रिफ्लेक्स कर लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सर्वर डाउन के वजह से ये थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर ही देता है, ठीक है। यहाँ पर जो कोड है 6136152, ओके, देन एंटर वेबसाइट, यहाँ पर आके सिंपली विजिट होइए, उसके बाद जो स्टेप मैं यहाँ पर दिखा रहे हूँ कर लीजिएगा, आपका फॉर्म जो है इजिली भर सकते हैं। देखिए होम पेज के आने के बाद यहाँ पर ऑफिशियली एंटर अप्लाई अदरवाइज लॉगिंग जो है ऑप्शन यहाँ पर आके क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आके सेम टू सेम इस पेज पे आ रहे हैं। उसके बाद देखिए लॉगिंग करना होगा आप लोगों को, लॉगिंग करने के लिए रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपना फॉर्म इजिली भर लीजिएगा। ओके, सो गाइस ये रहा छोटा सा हेल्प, ये नोटिस जो है पूरा के पूरा देख लीजिए। अगर ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगे और हमारा जो चैनल है हेल्प कर रहा है तो दोस्तों से इसे शेयर कर लीजिएगा और मिनिमम एक लाइक एंड सब्सक्राइब भी, ठीक है। ये नोटिस पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, कौन किसके बाद क्या क्या करना होगा, करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा देन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो चॉकलेट कलर के ऊपर टैब जो है कंटिन्यू ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर आके क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपका आई हैव आधार कार्ड से आप अप्लाई कर सकते हैं, आधार कार्ड एनरोलमेंट नंबर कोई एक है तो नॉन कोई एक सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद इन डिटेल्स कैंडिडेट नेम फादर नेम मादर नेम डेट ऑफ बर्थ ईमेल आईडी मोबाइल नंबर इन डिटेल्स देखे, यहाँ पर जो एक और एक टैब है आई हैव एग्री, आप यहाँ पर भी इन डिटेल्स पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आके सिंपली क्लिक कर दीजिएगा, करने के बाद सबमिट, देन आपका फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात कहना चाहूँगी, यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी जो मांग रहे हैं ध्यान से दीजिएगा, और जो मोबाइल नंबर आप हर वक्त यूज़ करते हैं वही दीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट पेज भर जाने के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद यूज़र नेम पासवर्ड आपके मोबाइल के थ्रू मीन्स SMS के थ्रू एंड ईमेल के थ्रू आपको भेजा जाएगा, जहाँ से आप दूसरे टाइम पर लॉगिन करना चाहेंगे तो तब आप यहाँ पर आके लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और आप जिस डिपार्टमेंट पे अप्लाई करना चाहेंगे वहाँ से आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। सो ये रहा छोटा सा हेल्प हमारे इस चैनल के थ्रू आप लोगों के लिए। सच में अगर
ये चैनल हेल्प कर रहा है, तो दिल से अगर आप चाहते हैं तो ये चैनल आगे जाए, तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इनके साथ साथ एक लाइक एंड सब्सक्राइब भी, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ कमेंट ऑप्शन भी मिलेगा आप लोगों को इस वीडियो के नीचे, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप लोगों के हेल्प के लिए चैनल जो है 24 आवर्स ऑनलाइन रहता है। सो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम।